तो गाइज आज के ब्लॉग में हम जाएंगे जू सफारी में और दिखाएंगे आप लोगों को जू सफारी में जाके। तो अभी हम लोग जाएंगे कुछ टाइम बाद तो आप लोगों को दिखाएंगे। चलो तो हम लोग जू सफारी में जब जाएंगे तो दिखाएंगे, और ये भी जाएंगे लेकिन इनका पहले, ये पहले जाएंगे, लास्ट में हम लोग जाएंगे। तो ये हमारे साथ शायद रहे ना रहे पता नहीं, तो चलो हम जाते हैं जू सफारी में तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे क्या ही मस्त लेवल का नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, और अभी यहाँ से निकलेंगे मतलब अंदर जाएंगे इसके। तो ठीक है चल दो हम देखते हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे टिकट कटाया जा रहा है पीछे हमारे, तो देख सकते हो यहाँ पे पीछे टिकट भी कटाया जा रहा है और इसके अंदर जाने के लिए। तो चलो अंदर चलते हैं हम। तो गाइस देख सकते हो अभी आ चुके हैं हम अंदर, और यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना मस्त लेवल का दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ हम फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे और उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे और वो भी दिखाएंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे सब। और गाइस वहाँ से निकल के आते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे क्या ही मस्त लेवल का यहाँ पे भी नज़ारा है। और यहाँ से हम चलते हैं, और अभी आ चुके हम लोग बस में, और इस बस के अंदर से सभी लोगों को दिखाएंगे हम कि मतलब जंगल में कितने सारे शेर ये जो भी है वो सब दिखाएंगे। ठीक है शेर भालू चीता वगैरह हिरन वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। अभी देख सकते हो यहाँ पे पुतला था बस, रियल नहीं है। और हम लोग अपने पहले सफारी में एंट्री करेंगे। तो गाइस सुन सकते हो ये क्या क्या बता रहे हैं, और अंदर जंगल में वही देखने को मिलेगा, शेर वगैरह भालू वगैरह चीता और हिरन वगैरह सब देखने को मिलेगा। कि आप बब कहलाते हैं, और जिनके सर पे श्रृंग नहीं होंगे वो सभी फीमेल होगी डो कहलाते हैं। तो चलो गाइस देख सकते हो यहाँ पे दिख रहे हिरन वगैरह, देख सकते हो हिरन जितने भी है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और आगे भी दिखाई देंगे। अभी क्या क्या दिखाई देंगे वो हमें नहीं पता, बस चलो आगे देखते रहना, वीडियो में बने रहो। और देख सकते हो यहाँ पे हिरन है, कितने सारी हिरन है, मतलब लाइफ में पहली बार एकदम सामने से देख रहे हिरन। ठीक है तो मतलब बहुत मस्त दिख रहा है। और चलो अभी आगे जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को हम। तो वहाँ से निकल के आते हैं तो देख सकते हो उसके अंदर बड़ी बड़ी हिरन बैठी हुई है, मतलब देख सकते हो उसका सींग कितना मस्त दिख रहा है। और मेरे को लग रहा है वो शायद ब्लैक हिरन है, पता नहीं क्या है, मस्त दिख रही है वो भी। और अभी देखो अभी और दिखाते हैं हम। और यहाँ पे एक और यूनिक दिख रहा है, वहाँ पे जो है झाड़ी बात दिख रहा है, छोटा सा रेडिश कलर का जो की बार्किंग डियर और ओमनीवोरस होता है, उसका साइंटिफिक नाम होता है। तो गाइस अभी आगे भालू है तो चलो भालू देखते हम लोग। और ये देखो क्या क्या बता रहे हैं, और जंगल में पेड़ों के ऊपर लगने वाले टर्माइट को खाते हैं, दिमाग को खाते हैं और पेड़ों को जीवन दान देते हैं, इसलिए इनको हार्ट बीट ऑफ जंगल बोला जाता है, जंगल का धड़कन कहलाते हैं। इनका दिन भर का काम होता है टर्माइट और आंट ढूंढना, और उसी से अपने आधे भोजन का जुगाड़ कर लेते हैं लोग। मेनली ये ओमनीवोरस होते हैं, ताजा मांस खाना इनको पसंद नहीं होता है, लेकिन तालाब से ताजी मछलियां पकड़ कर खाते हैं, और सीजनल फ्रूट भी खाते हैं, मौसमी फल भी खाते हैं। स्लॉथ बियर का साइंटिफिक नेम होता है मेलर्सा सर्सिनस, और इनका जो तो गाइस अभी आ चुके हैं हम भालू के पास, देख सकते हो यहाँ पे भालू है, कितना मस्त दिख रहा है ये भालू, पता नहीं मिट्टी वगैरह खोद रहा है, शायद उसको कुछ मिलेगा उसके अंदर ये जो भी हो। देखो यहाँ पे भालू कितना मस्त कितना प्यारा दिख रहा है, इसका नाम सुंदरी है। ठीक है और गाइस देख सकते हो यहाँ पे मस्त क्या ही मस्त लेवल का पहाड़ दिख रहा है, और इस वाले पहाड़ पे नहीं गए थे हम, इसके बगल वाले पहाड़ पे गए थे क्योंकि इसका मतलब जो भी पत्थर है वाइट वाइट दिख रहा है। तो गाइस देख सकते हो ये चीता है, और मतलब ये अभी सो रहा है, हम लोग सोचे थे कि मतलब जगह होगा तो रोड पे चलेगा, लेकिन नहीं ये सो रहा है अभी। तो चलो आगे निकलते हैं, आगे भी दिखाएंगे आप लोग को। तो गाइस वहाँ पे देख सकते हो दो शेर एक साथ सोए हुए हैं, पता नहीं हाँ मतलब दो शेर ही है, देखो एक वहाँ पे है जो थोड़ा बहुत हिल रहा है और एक यहाँ पे सोया हुआ है, कान हिला रहा है वो भाई, ये भी सोया है, चलो कोई ना। और गाइस देख सकते हो पहाड़ कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से, यार बहुत लाजवाब दिख रहा है यहाँ से पहाड़। तो चलो अब यहाँ पे सफ़र ख़त्म होता है, और चलो हम दिखाते हैं आगे और कुछ। तो गाइस सफारी ख़त्म होने के बाद मतलब जो सफारी में जितना भी था वो सब दिखा दिए, और यहाँ से निकलने के बाद निकलते टाइम ये सब दिखाया जाता है। तो अभी चलो देखो क्या ही मस्त लेवल का यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बस वीडियो में बने रहो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर लो। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या ही मस्त दिख रहा है। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहो और देखते रहो क्या क्या दिखाते हैं अभी हम, जो जो देखने को मिलेगा हम लोग को वो सब दिखाएंगे आप लोग को, और यहाँ से निकलेंगे फिर।
तो गाइस देख सकते हो जू सफारी में जो जो चीज़ें दिखाया गया वो यहीं पे है। शेर वगैरह, बाघ वगैरह, चीता वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और इसका नाम भी लिखा हुआ है, तो देख सकते हो। और वीडियो में बने रहो, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो देखते रहो और ये सब नाम भी पढ़ लो इनका, जितना भी है सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे वीडियो चला के दिखाया जा रहा है। तो गाइज उसमें से निकलते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो क्या ही मस्त डेकोरेट किया गया है यहाँ पे, चारों तरफ एकदम मस्त लाइटिंग दिख रहा है। और अंदर चलते हम देखते हैं अंदर क्या क्या है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। हमारी पूरी टीम आई हुई है इसमें, ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिखता है। और भाई यहाँ पे देख सकते हो क्या ही मस्त लेवल का दिख रहा है यहाँ पे, और ये टीवी तो गाइस देख सकते हो टीवी पे ये चल रहा है, मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है, पानी में जितने भी जीव रहते हैं उन सब के बारे में। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करेंगे, और पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा।